वेदर यू कंसिडर दर्वेचर ऑफ दी अर्थ बाइल सर्विंग और नॉट अगर आप कंसिडर करते हो तो उसे क्या बोलते हैं और अगर कंसिडर नहीं करते हो तो उसे क्या बोलते हैं तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने कल वाली क्लास में कर ली थी तो प्लेन सर्वेइंग कर ली थी और जियोडेटिक सर्वेइंग हमने कर ली थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट uh, करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं फॉर ऑल दी फाउंडेशन बचेज फॉर गेट ई एस सी पी एस यू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ अवेलेबल है अलॉन्द विद दी फ्री मंथ एक्सटेंशन सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ई एस सी और पी एस यू ट्वेंटी फोर यू कैन अवेल दिस बेनिफि आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो देन अन अकेडमी हज़ ऑल्सो लॉन्च वर्कशॉप दैट इज़ करियर प्लानिंग विद द कॉलेज इन दिस यू विल भी गटिंग टॉपिक वाइज टेन ईयर पी वाई क्यू विद डिटेल सोल्यूशन आपको एक किट मिल जाएगी टू क्रैक द इंटरव्यूज यू कैन गो फॉर दॉइस इंटरेक्शन विद यर फेवरेट एजुकेटर जूरिंग द सेशन्स मोर ओवर एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल गेटिंग द सर्टिफिकेट फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए वॉइस <laughs> की लाउडनेस कम है वॉइस की लाउडनेस कम है लाउडनेस कम है तो लाउडनेस तो कम ही होनी चाहिए लाउडनेस तो उतनी है लाउडनेस कम है लाउडनेस कम आ रही भाई लाउडनेस इसकी इलाके अब जरा चेक करना नाउ चेक वेदर इट इज फाइन और नॉट चक सेम ही है youtube पर इशू है ऐप पर ठीक है youtube पर इशू है ऐप पर ठीक है रुको भाई इनके youtube की भी ठीक करते हैं सब बढ़िया है पहले भी बढ़िया था वो youtube पे भी आ रहा है ना youtube पे भी जा रहा है सेशन यार वॉल्यूम बढ़ाना प्रकाश इसके youtube की। वॉल्यूम 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 ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूं साथ ना हाँ नाउ चेक अब एक बार वॉल्यूम भी बढ़ा दिए जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार चेक करना सर सही है यूट्यूब की भी साउंड लो इन यूट्यूब बढ़ गई बढ़ गई है चलो ठीक है बढ़ गई अभी बोल रहे हैं चलो ठीक है प्रकाश हाँ। ओके भैया पढ़ लो अब चालू करने दो मेरे को सेशन अब बहुत हो गया नॉइस वॉइस सब ठीक हो गया अब पढ़ने दो अब सो सो लास्ट पॉइंट था हमारा वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ वर्कशॉप इन विच यू कैन प्लान योर करियर अलॉन्ग विद द कॉलेज देन रिजल्ट ऑफ द गेट वॉज बिंग अनाउंसड इन द मंथ ऑफ द मार्च मोस्ट ऑफ दर फ्रॉम प्लस प्लेटफॉर्म ओनली सोफ यू वॉन्ट टू क्रैक द गेट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द प्लेटफॉर्म देन नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो सोलह जून से स्टार्ट हो रहा है इट इज द फाउंडेशन बैच फॉर गेट यूस पी एस यू सिविल

अभी नौ तारीख को एक बैच स्टार्ट हुआ है नौ तारीख को बैच स्टार्ट हुआ है एस एस का इन विच हैव स्टार्टेड सील स्ट्रक्चर जिसमें मैंने सील स्ट्रक्चर स्टार्ट किया सो इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन एस एस जेई बैच आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो उसकी दो तीन क्लासेस हो गई है टू थ्री क्लासेज आरविंग कंप्लीटेड अब ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर नाउ विल एंटर टू मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन कल हमने बात कर लिया था प्लेन सर्वेइंग के बारे में और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में ये दोनों सर्वेइंग हमने कंप्लीट कर ली थी दीज टू टाइप्स ऑफ सर्वेइंग वी हैव कंप्लीटेड अब आगे बढ़ते हैं

फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे पहला जो अवेलेबल है इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सवे फर्स्ट ऑफ दर्वेज नोन एस टोपोग्राफिकल सर्वे और हर चीज आपको नाम से बताई हुई है कि जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगे आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर उसी प्रॉपर्टी के बिहा पे उसका नाम रख दिया जाएगा तो मैंने इस सर्वे का नाम रखा टोपोग्राफिकल सर्वे क्यों क्योंकि यहां पर सर्वे किसकी करते हो टोपोग्राफी की करते हो तो टोपोग्राफी सर्कल सर्वे में क्या करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे कंसिस्ट ऑफ हॉजोंटल एंड वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स किसके फिजिकल फीचर्स के या टोपोग्राफी के अब फिजिकल फीचर्स या टोपोग्राफी कैसी है जैसे रिवर है जैसे लेक है जैसे पॉन्ड है जैसे फॉरेस्ट है जैसे हिल्स है जैसे रोड्स हैं जैसे रेलवे है जैसे, जैसे कैनाल है जैसे टाउन है जैसे विलेज है सो इन टोपोग्राफिकल सर्वे वी गो फॉर हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल मेजरमेंट टू डिटरमाइन द फिजिकल फीचर्स और यू कैन से टोपोग्राफिकल फीचर्स तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे लैंड के ऊपर जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसकी मेजरमेंट हम करते हैं किसके अंदर टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर मैंने बहुत सारे एक्जाम्पल दिए आपको टोपोग्राफिकल फीचर्स के लेक हो सकता है पौंड हो सकता है विलेज हो सकती है टाउन हो सकता है कैनाल हो सकता है इस तरह के सर्वे को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे क्योंकि यहां पर आप फीचर्स ऑन लैंड की सर्वेइंग कर रहे हो ये किस तरह का सर्वे लैंड सर्वे तो एक सवाल इसमें तो जरूर आता है यू विल गेट वन डेफिनेट पॉइंट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट ऑफ दी सर्वे इज केडेस्ट्रल सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इन केडिस्ट्रल सर्वे इन केडिस्ट्रल सर्वे वी डू दी सर्वे ऑफ वी डू दी सर्वे ऑफ फिक्सिंग दी प्रॉपर्टी लाइन तो जब आप कोई जगह खरीदते हो उसकी लाइन की मार्किंग होती है मैप के ऊपर तो कैडिस्ट्रल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी लाइन को मार्क करते हैं एंड वी कैलकुलेट दी लैंड एरिया इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लाइन तो जब भी आप कोई जगह खरीदते हो आपको उसका मैप मिलता है वो जो मैप बनाया जाता है या जो प्लान बनाया जाता है उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं है. so, आप कहां कर रहे हो लैंड के ऊपर कर रहे हो किसके लिए जो फीचर्स लैंड के ऊपर है इसीलिए सर्वे भी कौन सा सर्वे है लैंड सर्वे है तो पहले वाले में क्या किया आपने टोपोग्राफी को एनालाइज किया दूसरे वाले में क्या किया प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स किया

स्ट्रीट्स की रोड की पानी की सीवर की एलपीजी लाइन की इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं सिटी सर्वे बोलते हैं क्योंकि ये भी किसकी हुई फीचर्स की ऑन लैंड ये भी किस तरह का सर्वे है ये भी लैंड सर्वे है सो लैंड सर्वे कैन बी टोपोग्राफिकल सर्वे कैन बी टर्म एस कैडिस्ट्रल सर्वे कैन बी टर्म एस सिटी सर्वे तो तीन तरह के सर्वे हो जाएंगे कैडेस्ट्रल सर्वे में रेवेन्यू और गंटर चेन यूज करते हैं पता ही नहीं है रेवेन्यू और गंटर चेन क्या होती है अभी तो हम सर्वे की बात कर रहे हैं चेन तक तो पहुंचे ही नहीं हम अभी तक तो हम सर्वे की बात कर रहे हैं चेन तक तो पहुंचे नहीं है इसमें हम ईडीएम यूज करते हैं तो फिर से आप जाके कॉलेज में बैठे हो पहले सेमेस्टर के अंदर आपका प्रोफेसर आठवें सेमेस्टर की बात करे आप जो उसको बोलोगे ना उस समय वही मैं अभी आपको बोल रहा हूं तो समझ जाना वो मेरे ख्याल से समझ गए होगे तो पहले सेमेस्टर में बैठ के लेटर सपोज आपका प्रोफेसर आपको आठवें सेमेस्टर का पढ़ा है आप जो उस समय उसको बोल रहे होगे ना अभी मैं exactly वही मैं आपको बोल रहा हूं तो ये अभी तो हम टाइप ऑफ सर्वे की बात कर रहे हैं अभी तक तो हम पहुंचे नहीं चेन के अंदर चलो आगे बढ़ते हैं। so we'll as, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे अगला जो सर्वे अवेलेबल है हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं मरीन सर्वे, सर्वे. है. है तो सर्वे किससे डील करता है वाटर बॉडीज के साथ डील करता है वाटर बॉडीज के साथ डील करता है फॉर पर्पस ऑफ इरीगेशन फॉर पर्पस ऑफ नेविगेशन फॉर पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई इसमें हम मीन सी लेवल मेजर करते हैं हम रिजर्वयर की फंक्शनिंग को समझते हैं या वाटर के डिस्पोजल को समझते हैं तो मरीन सर्वे डील्स विद वाटर बॉडीज केडेस्ट्रल सर्वे को पब्लिक लैंड सर्वे भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात है केडेस्ट्रल सर्वे को पब्लिक लैंड सर्वे भी बोला जाता है सो इट मे ऑल्सो बी टर्म डेस्ट पब्लिक लैंड सर्वे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मरीन सर्वे में हम क्या करते हैं इन मरीन सर्वे वी कैरी आउट दी मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितना पानी फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में पानी का लेवल कितना है वॉट इज द लेवल ऑफ द दॉटर इसको भी मेजर किया जाता है तो जितनी भी वेरिएशन है किसकी वॉटर बॉडीज की उसको समझा जाता है मरीन सर्वे के अंदर दैट इज टेक्निकली टर्म सर्वे कैन वी सेडेस्ट्रल इज अ स्पेशल केस ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे नहीं उसमें कोई प्रॉपर्टी लाइन फिक्स नहीं करते हम टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर जो हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसकी हम सर्वेइंग करते हैं टोपोग्राफिक फीचर बताया आपको रिवर की पौंड की जबकि मैं कैडिस्ट्रल सर्वे में क्या कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी लाइन फिक्स कर रहा था तो दोनों अलग अलग है वो था डिफरेंट द नेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ सर्वे तो पहला हो गया लैंड सर्वे दूसरा हो गया हमारा मरीन सर्वे द थर्ड टाइप ऑफ सर्वे इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये भी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया है इनफैक्ट अभी ई एस का मेन्स पेपर दिया होगा आपने तो उसमें आपको एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी सवाल मिले होंगे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी खूब सवाल आने लग गए प्री के अंदर भी और मेन्स के अंदर भी करेंगे इसको भी आगे जाके अभी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आउट फॉर डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी सर्फेस ऑफ अर्थ विद दी हेल्प ऑफ दी हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज और स्पेशियल बॉडीज तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम एब्सुल्यूट लोकेशन निकालते हैं किसी भी पॉइंट की अर्थ की सर्फेस के ऊपर किसकी मदद से विद दी हेल्प ऑफ दी हेवनली बॉडीज जैसे आपने सन की मदद से निकाल लिया जैसे आपने स्टार की मदद से निकाल लिया तो इसको सेलेस्टियल बॉडी स्पेशल बॉडी यावनली बॉडीज बोला जाता है तो दिस टाइप ऑफ सर्वेक्निकली टर्म वॉट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्लियर है सेडेस्ट्रल में हाइट मेजर होता है सेडेस्ट्रल में हाइट मेजर नहीं होता है इसमें बस प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है विल सिंपली मार्क दी प्रॉपर्टी लाइन हाइट की मेजरमेंट कर सकते हो इनडायरेक्टली हॉरिजोनटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हाइट की मेजरमेंट कर सकते हैं इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो रेफरेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेजरमेंट करते हैं सो बोथ दी मेजरमेंट कैन बी डन पर सर्वे में हमें एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वी डोंट नीड एनी एलिवेशन चले आगे चलो तो पहला टाइप ऑफ सर्वे कौन सा हुआ लैंड सर्वे दूसरा हो गया मरीन सर्वे तीसरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे थी नेचर ऑफ सर्वे के बिहाफ पे थी दिस क्लासिफिकेशन वॉज ऑन देश ऑफ नेचर ऑफ सर्वे आगे बढ़ते हैं द द नेक्स्ट ऑफ 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 टाइप और क्लासिफिकेशन इज ऑन ऑब्जेक्ट सर्वे कि भैया आप सर्वेइंग क्यों करना चाहते हो अभी तक हम कर रहे थे नेचर ऑफ सर्वे के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सर्वेइंग करने का जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा सर्वेइंग करने का वैसे ही क्या करेंगे हम उसकी क्लासिफिकेशन भी बदल देंगे अब खूब सारे तरीके हैं देर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल खूब सारे तरीके हैं हमारे पास इसको क्लासिफाई करने के सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वे इज इंजीनियरिंग सर्वे तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क अब इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क जैसे जैसे आपको रोड बनाना है रिजर्वर की लेटर सपोज आपको कैपेसिटी निकालनी है आपको सीवर की अलाइनमेंट निकालनी है लड़े सपोज कैनाल के अलाइनमेंट निकालनी है आपको फाउंडेशन बनानी है तो इंजीनियरिंग वर्क के लिए इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो भी आपने सर्वे किया उसको हम क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे इंजीनियरिंग सर्वे तो पिछली क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे थी कि वॉट इज द नेचर ऑफ सर्वे ये क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे है वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे क्लियर ए चीज डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड इंजीनियरिंग सर्वे लेक्चर को पांच मिनट पीछे करो समझ में आ जाएगा अभी इंजीनियरिंग सर्वे बताया पीछे सिटी सर्वे बताया दोनों को दोबारा पढ़ लो डिफरेंस आ जाएगा यू विल गेट द द डिफरेंस बिटवीन टू नेक्स्ट ऑफ यूलेंस सर्वे इज मिलिट्री सर्वे अब मिलिट्री सर्वे क्या है द पर्पस ऑफ द मिलिट्री सर्वे इज टू सर्वेड विच आर ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप उनकी लोकेशंस निकालोगे दिस विल बी टेक्निकली एज व्हाट मिलिट्री सर्वे तो यहां ऑब्जेक्टिव क्या है आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट की क्या निकालनी है लोकेशन निकालनी है नाम क्या रख दिया मिलिट्री सर्वे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही बदल गया the next of the type of surveys, geological survey. अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है यह पता करना कि अर्थ कैसे बनी इस परपस से जब आप सर्वेइंग कर रहे हो हम सर्वेइंग का नाम क्या रख देंगे जियोलॉजिकल सर्वे नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे फिर से परपज चेंज हो गया है पर्पज ऑफ दर्क्योलॉजिकल सर्वे टू फाइंडिस्टेंस ऑफ दी पास्ट सिविलाइजेशन तो पास्ट में जो सिविलाइजेशन उस पर्टिकुलर जगह पर रहती थी अगर आपका एम ये है और इसकी वजह से आप सर्वे कर रहे हो नाम क्या रख देंगे आर्क्योलॉजिकल सर्वे रख देंगे तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव बदलता गया वैसे वैसे हम सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन को भी चेंज करते गए दी सर्वे इज नोन एज माइंड सर्वे नाम में लिखा हुआ है पर्पज ऑफ दी सर्विइंग इज टू कैरी आउट दी एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू माइंड आपको कोई नई माइंड का आइडेंटिफिकेशन करना है इस वजह से अगर आप सर्वे कर रहे हो उसका नाम क्या है? माइंड सर्वे तो पिछली वाली क्या थी <laughs> पिछली वाली थी सर्वेंग हमारी ऑन बेसिस ऑफ नेचर ये वाली सर्वेंग है हमारी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। ये वाले सारे सर्वे सिविल इंजीनियर करता है पता नहीं मैंने कभी किया ही नहीं है रोड एंड सीवर लाइन आर बोथ इन तो भाई एक क्लासिफिकेशन दो जगह फॉल नहीं कर सकती क्या मतलब मतलब फिर से कैसी बातें कर रहे हो तो क्या एक सर्वे दो कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता क्या तो पहले मैंने क्या किया ऑर्गेनिजम्स को इस बिहाफ पे क्लासिफाई किया पहले मैंने मैंने बोला कितने तरह के जीव जंतु होते हैं पहले मैंने क्लासिफाई किया

ऑप्शन दोनों है क्वेश्चन में तो कौन सा चूज करोगे जब ये आएगा मैं तब बताऊंगा आपको तो अगर दोनों ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा तो अभी तो है ही नहीं तो अभी है ही नहीं तो दोनों ही चीजें क्लियर है क्लियर है।, है तो जब ऐसा होगा तब मैं आपको ये बताऊंगा अभी तो है ही नहीं ऐसा चलो आगे चले चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्विंग इज नोन एज नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्विंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है सबसे पहले नेचर की बात करी फिर हमने बात करी देन वीव टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव क्या है सर्विंग का अब हम बात कर रहे हैं किसकी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई दर्विंग जैसे पहला चेन सर्विंग नाम में लिखा हुआ है चेन इट विल बी टर्म चेन सर्विंग अगर आपने सर्वेंग करी चेन की मदद से अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपने एक प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी आपने एक प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी और यह प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए सपोज यह है दस मीटर यह है बीस मीटर इसको फिक्स करने के लिए आपने चेन की मदद ली जरा मुझे कोई बताएगा यह कौन सी सर्वेंग है क्योंकि मुझे यहां पे क्योंकि मुझे यहां पे लड़ सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मुझे यहां पे फाउंडेशन बनानी है मुझे यहां पे फाउंडेशन बनानी है इन दिस एरिया आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फाउंडेशन इसके लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी आई फिक्स दिस प्रॉपर्टी लाइन मैं इस सर्वेइंग को क्या नाम दूंगा दिस विल बी टर्म वॉट मुझे फाउंडेशन बनानी है मैंने इसकी प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी चेन की मदद से तो इसको हम क्या बोलेंगे सबसे पहली चीज ये लैंड सर्वे है सबसे पहली चीज ये लैंड सर्वे है लैंड सर्वे में कौन सा सर्वे है लैंड सर्वे में कैडिस्ट्रल सर्वे क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी है यू है फिक्स प्रॉपर्टी लाइन आपका एम क्या था आपका एम था यहां पे फाउंडेशन बनाना तो मैं इसको क्या बोल दूंगा इंजीनियरिंग सर्विंग क्योंकि मैंने ये चेन की मदद से करी मैं इसको बोल दूंगा चेन सर्विंग फिर आप बोलोगे सर ये तो तीनों ही है भाई तीनों ही है सर सवाल में आया तो फिर क्या मार्क करेंगे भैया तीनों ही मार्क करेंगे क्योंकि ये तीनों ही सर्वे हैं तो ये लैंड सर्वे भी है लैंड सर्वे में कौन सा सर्वे है फिर अगर मैं बात करूं ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग तो भैया ये हमारी इंजीनियरिंग सर्वे है और तीसरा क्योंकि आपने चेन की मदद से किया तो मैं इसको क्या बोल दूंगा मैं इसको चेन सर्वेइंग बोल दूंगा चेन सर्वेइंग इज सर्वे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग विच इज अवेलेबल चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ली जाती है विद हेल्प ऑफ चेन और टेप तो चेन या टेप की मदद से हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं इन चेन सर्वेइंग एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट बीइंग आउट इन चेन सर्वे एंगुलर मेजरमेंट नहीं की जाती है चेन सर्वेइंग के अंदर तो सबसे सिंपल टाइप की सर्वेइंग होती है हमारी चेन सर्वे क्लियर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इट इज इंजीनियरिंग सर्वे तो बस देखो एक ही चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गई भैया तो एक ही चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गई अब मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कैप्टन जैक स्पैरो एक स्टूडेंट है मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कैप्टन जैक स्पैरो एक स्टूडेंट है आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उनके लिए आप उनके बच्चे हो तो ऐसा कैसे हो गया कैप्टन जैक स्पैरो स्टूडेंट भी हो गया मेरा और अपने पेरेंट्स का बच्चा भी हो गया और कैप्टन जैक स्पैरो अपने दोस्तों के लिए क्या है वो आप जानते हो तो ऐसा कैसे हो गया कि कैप्टन जैक स्पैरो अभी तो मैंने बोला था स्टूडेंट है अभी ये बच्चा भी हो गया और अभी अपने दोस्तों के लिए क्या कहलाते हैं दोस्त आपको बोलते होंगे कुछ ना कुछ ऐसा कैसे हुआ तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गया ये? कि सर अभी तो ये ये तो हमारी सर इंजीनियरिंग सर्वे थी फिर अभी ये चेन सर्विंग हो गई तो भैया एक चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर सकती है कोई बड़ी बात नहीं है नथिंग न्यू क्लियर अब तो डिपेंड कर जाता है आप किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर रहे हो इट डिपेंड्स हाउ यू आर क्लासिफाइंग चलो आगे बढ़ते हैं तो अगली जो सर्विंग अवेलेबल है हम क्या क्या बोलते हैं? Compass surveying बोलते हैं? अब क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ सर्विंग इन विच हॉरिजोंटल एंगल्स आर मेजर्ड हेल्प ऑफ द कंपास तो कंपास सर्विंग वो सर्विंग है जिसमें हम हॉरिजोंटल एंगल को मेजर करते हैं किसकी मदद से कंपास की मदद से

विदी हेल्प ऑफ चेन और टेप अब एक जानकारी और दी कि कंपास की जो प्रशन होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है कंपास की जो होती है, वो कम होती है. पर अगर हम बात करें चेन सर्वेंग और कंपास सर्वेंग में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है हम बोलेंगे कंपास सर्विंग इज मोर एकट देन चेन सर्विंग क्लियर है चीज चेन सर्विइंग कहां तक कर सकते हैं यहां तक तो यहां से यहां तक कर सकते हैं तो चेन सर्विंग कहां तक करते हैं यहां से यहां तक चेन सर्विंग की जाती है और वहां से वहां तक कंपास सर्विंग की जाती है तो यहां से यहां तक चेन सर्विंग और वहां से वहां तक कंपास सर्विंग क्लियर चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विंग इज नोन एज लेवलिंग अगला जो सर्विंग अवेलेबल है हमारे पास इसको हम बोलते हैं लेवलिंग अब ये क्लासिफिकेशन किस पे चल रही है ये क्लासिफिकेशन चल रही है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग तो लेवलिंग लेवलिंग क्या होती है लेवलिंग इज टाइप ऑफ सर्विंग इन विच लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज बिंग यूज लेवलिंग वो सर्विंग है जिसमें हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वॉट

तो आपको रिलेटिव एलिवेशन निकालना है ये हमारा रेफरेंस है डेटम तो डेटम से पॉइंट वन कितने एलिवेशन पे है एच वन डेटम से पॉइंट टू कितने एलिवेशन पे है एच टू और वन और टू के बीच में रिलेटिव एलिवेशन कितनी है एच एंड दिस इज बिंग डन विद इसको हम करते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो ये क्लासिफिकेशन हमारे किस भाग पे चली ये क्लासिफिकेशन हमारी चली आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया विच इंस्ट्रूमेंट यू हैव यूज्ड ंग मोर इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर एरर हाउ इज दिस मोर एक्ट देविंग बिकॉज इन चेन सर्विंग ओनली लीनियर मेजरमेंट इज डन इन कंपास सर्विंग एंगुलर मेजरमेंट इज ऑल्सो बिंग डन तो चेन सर्वेंग में भी एरर बहुत ज्यादा होती है अभी करेंगे एर आएंगे खूब सारे चेन सर्विंग के अंदर तो आपने जब एंगुलर मेजरमेंट करी एंगुलर मेजरमेंट के अंदर जो एरर है वो लीनियर मेजरमेंट से कंपेरेटिवली कम है इसका मतलब यह है कि ओवरऑल एरर रिड्यूस हो गया है पर आपको एक जानकारी दी कि मैग्नेटिक कंपास एंगल जब मेजर करता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है तो एंगल मेजर करने के और भी तो तरीके हैं हमारे पास वी हैव डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल तो दो अलग अलग बातें बताई हैं कि हमारी कंपास सर्वेइंग ज्यादा एक्यूरेट है चेन सर्वेइंग से क्योंकि यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी और मेजर करी बात खत्म हो गई हमारी अब आपको एक जानकारी दी कि मैग्नेटिक कंपास से एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कंपेरेटिवली कम एक्यूरेट होती है तो भैया हम दूसरा कंपास यूज कर लेंगे We'll be using other तो ये दूसरी बात हो गई हमारी दी नेक्स्ट ऑफ दाइप ऑफ टेबल सर्वे तो ये सर्वे किस ब्याह पे चल रही है कैसा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया यहां पर हमने क्या यूज किया प्लेन टेबल अब प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है प्लेन टेबल सर्वे में हम प्लान या मैप बनाते हैं फील्ड के अंदर ही बाई टेकिंग दी ऑब्जर्वेशन तो प्लेन टेबल सर्विंग में ऑब्जर्वेशन और प्लेन टेबल सर्विंग में ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली चल रही होती है तो जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हो उसी समय प्लॉटिंग कर रहे होते हो प्लान या मैप के ऊपर पर बाकी सर्वेइंग में दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं तो एडवांटेज क्या है प्लेन टेबल सर्विंग का दोनों चीजें एक साथ हुई पर ड्रॉबैक क्या है इसकी एक्यूरेसी कम होती है अब ये मत बोलना सर एक्यूरेसी कम होती है फिर क्यों किया क्योंकि फायदा था क्या फायदा था दोनों चीजें एक साथ हो रही थी तो अगर आपको प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन एक साथ लेनी है यू गो फॉर प्लेन टेबल सर्विंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विंग इज नोन एज थियोडोलाइट सर्विंग नाम में लिखा हुआ है सर्वेंग, पर हम थियोडोलाइट की मदद से सर्वेइंग करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग दी एं वर्टिकल एंगल। तो सर्वेंग में हम एंगल मेजर कर रहे थे हेल्प ऑफ आप थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में हम हॉरिजोंटल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी किससे कंपास सर्वेइंग से तो थियोडोलाइट सर्वेइंग की जो एक्यूरेसी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है किससे कंपास सर्वेइंग से और थियोडोलाइट सर्वेइंग आगे दो टाइप के हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग आगे दो टाइप के हैं ट्रेवर सर्वेइंग और ट्राइंगुलेशन टैक्यूमीटर किसको बोलते हैं टैक्यूमीटर <coughs> जानने के लिए बस दो मिनट का टाइम दो अभी बताऊंगा आगे अभी ये थियोडोलाइट कर लो फिर टैक्यूमीटर भी आ जाएगा देन विल टॉक अबाउट टैक्यूमीटर ऑल्सो सो थियोडोलाइट सर्विंग बड़ी चुल है भाई हर चीज में चुल है हाथ थियोडोलाइट सर्विंग इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स एक को बोलते हैं हम ट्रेवर सर्विंग दूसरे को हम बोलते हैं ट्रेंगुलेशन सर्विंग अब ट्रेवर सर्विंग क्या होता है ट्रेवर सर्विंग इज टाइप ऑफ सर्विंग इन विच स्टेशन आर इन ऑफ पॉलीगन तो थियोडोलाइट सर्विंग हमारे दो तरह की है एक का नाम क्या रखा ट्रेवर एक का नाम रखा ट्राइंगुलेशन तो एक का नाम रखा ट्रेवर्स और एक का नाम रखा ट्राइंगुलेशन तो दो तरह की थियोडोलाइट सर्विंग अब दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क यह है कि ट्रेवर्स सर्विइंग में हमारे जो पॉइंट हैं वो किसके फॉर्म में है पॉलीगन के फॉर्म में स्टेशन आर इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीगन पर ट्राइंगुलेशन सर्वे में हमारे जो स्टेशन हैं वो किसके फॉर्म में है सो दीज आर देश स्टेशन आर इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ पे जो स्टेशंस हैं वो किसके फॉर्म में है ट्राइंगल के फॉर्म में सो दीज आर इन दी फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल्स यहाँ पर भी डाउट क्लियर करते हैं ठीक है सर थियोडोलाइट में चेन भी यूज करेंगे ना थियोडोलाइट में चेन यूज़ नहीं करते भाई थियोडोलाइट में एंगुलर मेजरमेंट चलती है सिर्फ तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करते <Lakesate> हैं वी मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल वी मेजर वर्टिकल एंगल दोनों अलग अलग है ओनली एंगुलर मेजरमेंट्स आर डन इन थियोडोलाइट तो जब एंगुलर मेजरमेंट है फिर चेन क्यों यूज़ करोगे प्रोसीड करने तो डाउट भी तो क्लियर करने होते हैं फिर इकट्ठे हो जाएंगे सारे डाउट चेन कंपास और प्लेन टेबल का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बता दीजिए चेन कंपास और प्लेन टेबल की ऑर्डर ऑफ और एक्यूरेसी बता दीजिए सबसे कम एक्यूरेट मिलेगा प्लेन टेबल फिर चेन सर्विंग फिर कंपास सर्विंग चलो आगे बढ़ते हैं ये हो गया हमारा दिस वी हैव डन सो नेक्स्ट इज टैक्टर सर्विंग नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विंग इज एज टैक्टर सर्विंग अब क्या होती है टेक्योमीटर सर्विंग टैक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट अब टैक्योमीटर क्या होता है टर एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट होता है जिसको हम टेक्निकली नाम क्या देते हैं टेक्योमीटर अब इसको क्या करते हैं इसको हम यूज करते हैं टू मेजर हॉरिजोंटल डिस्टेंस ऑल्सो हॉरिजोंटर एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्योमीटर तो इस थियोडोलाइट की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं हॉरिजोटल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल के दे देगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल के दे देगा वर्टिकल एंगल भी निकाल के दे देगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल के दे देगा तो है तो हमारा थियोडोलाइट पर इसमें हमने किया क्या इसमें हम छोटी सी मैनिपुलेशन करते हैं इसमें हम क्रॉस हेयर लगा देते हैं अभी मत बोलना क्रॉस हेयर क्या होता है वो अभी आगे करेंगे दैट विल डिस्कस इन डिटेल तो इसमें हम क्रॉस हेयर लगा देते हैं विद दी हेल्प ऑफ सेंट्रल हॉरिजोंटल हेयर जिसकी मदद से हम हॉरिजोंटल डिस्टेंस भी मेजर कर पाते हैं इसको यूज करना बड़ा ही आसान होता है आपको एक्सी ज्यादा चाहिए तो किसको मदद कर लेते हैं हम मदद लेते हैं टेक्योमीटर की तो टेक्योमीटर में आप एंगल की भी मेजरमेंट कर लेते हो और हॉरिजोटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की भी मेजरमेंट कर लेते हो ट्राइवर्स और ट्राइंगल से क्या अलग अलग होगा इसके लिए ट्रेवर्सिंग और ट्रैंगुलेशन हमें करना पड़ेगा जो करेंगे आएगा आगे पूरी करनी है हमें थियोडोलाइट की सकते थियोडोलाइट से डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते अगर वो नॉर्मल थियोडोलाइट है डिस्टेंस मेजर कर सकते हो थियोडोलाइट से अगर वो टेक्योमीटर है पिक्चर भेजी है सर पिक्चर भेजिए तो भैया यूट्यूब पे कैसे पिक्चर दिख जाएगी तुम्हें और मैं कैसे ओपन करूंगा पिक्चर को तो पिक्चर तो बस अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तभी मैं ओपन कर सकता हूँ आप अगर पिक्चर भेजोगे मैं ओपन कर ही नहीं सकता चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑफ ने टाइप ऑफ सर्वेइंग टेक्ोमीटर हो गया द नेक्स्ट ऑफ ऑफ टाइप सर्वेइंग इज फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग अगली जो सर्वेइंग अवेलेबल है प्लेन टेबल इज एनी इंस्ट्रूमेंट हां भैया प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है नाम में लिखा हुआ है प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट ही तो है और क्या प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर प्लेन टेबल भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर विंग यूज्ड वो करेंगे भी आगे विल सी we'll चलो हा हम बात कर रहे थे फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग की अब फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग क्या होती है फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ्स तो फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग वो टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें आप सर्वेइंग करते हो फोटोग्राफ लेके अभी जो फोटोग्राफ है आप अर्थ की सरफेस के ऊपर रह के भी ले सकते हो किसी एलिवेटेड पॉइंट से अगर आपको और बड़ी स्केल पे फोटोग्राफ चाहिए तो उस सिचुएशन के अंदर आप एरियल फोटोग्राफी भी कर सकते हो और एरियल फोटोग्राफी करने के लिए पहले के टाइम पे हम एयरप्लेन यूज करते थे आज के टाइम पे आप भी कर सकते तो कोई पूछ रहा था भी कि की मदद से कौन सी पिक्चर एरियल पिक्चर अब एरियल पिक्चर क्लिक करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो एयरक्राफ्ट की मदद भी ले सकते हो और आज के टाइम पे तो ड्रोन की मदद भी ले लेते तो जहां पर हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते वहां पर हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं जहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं वहां पर हम अर्थ की सरफेस से पिक्चर ले लेते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ इज नोन एज ईडीएम ईडीएम नाम में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सो ईडीएम इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे अब ये क्या है इट इज इट्स टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑफ लीनियर मेजरमेंट तो यहां पर डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है पर कैसे इलेक्ट्रॉनिकली यहां पे डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे मेजर कर लेते हो विद विध हेल्प ऑफ वेव्स वेव्स की मदद से ड्रोन कॉमन है शादी में भी यूज होने लगेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है अब आप जब ड्रोन लोगे लोगेटर सपोज आपका सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपको ड्रोन मिलेगा आप अपनी शादी में भी यूज कर सकते हो फोटो खींचने के लिए <laughs> तो आप सर्वे भी कर सकते हो और अपनी शादी में फोटो क्लिक करवाना आप इससे मस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर टोटल स्टेशन यूज करते हैं थियोडोलाइट आउटडेटेड है बहुत बढ़िया चलो टोटल स्टेशन यूज करते हैं थियोडोलाइट आउटडेटेड है थियोडोलाइट आउट में चेन भी यूज करेंगे ना चलो शादी तो हो गई तो फिर उसके बाद फोटो खींच लेना उसमें क्या दिक्कत है फोटो ही तो खींचना है आपको टू क्लिक दी फोटो ओनली ना क्लास की ड्यूरेशन इंक्रीज कर दू क्लास की ड्यूरेशन ठीक है इंक्रीज कर दी यहां से मैंने क्लास की ड्यूरेशन आई हैव इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्लास तो ड्यूरेशन मैंने इंक्रीज कर दिए हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हो गया विल कंटिन्यू ऑफलाइन में आप क्या पढ़ाएंगे ऑफलाइन में इसके बाद मेरा वो स्टार्ट हो रहा है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर बिहेवियर <laughs> तो ऑफलाइन में इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम सो ईडीएम क्या होता है ईडीएम इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहने का मतलब है यहां पे हम साउंड की मदद से डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट लेनी है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर करना है पर इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करना है तो इसमें हम करते क्या है एक डिटेक्टर होता है एक और एक ट्रांसमीटर होता है देर इज वन ट्रांसमीटर देर इज वन डिटेक्टर तो ट्रांसमीटर पल्स को जनरेट करता है और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है तो कितने टाइम में हमारी पल्स डिटेक्टर के पास पहुंची वो टाइम नोट किया जाता है स्पीड पता होती है हमें साउंड वेव की दोनों टाइम और स्पीड की मदद से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये सारे डिवाइसेस को करेंगे अभी आगे

चलो भी आगे चलते हैं द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस सवाल मिलेगा आपको इसमें से हमेशा यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस अब क्या प्रिंसिपल है सर्विंग की देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विइंग दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर्विंग के पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट अब क्या मतलब है होल टू पार्ट चाहे आप प्लेन सर्वेइंग कर रहे हो चाहे आप जियोडेटिक सर्वेइंग कर रहे हो

अब आप इसके बाद माइनर पॉइंट्स को मार्क करोगे नाउ ऑल दी माइनर पॉइंट्स आर और ये सारे माइनर पॉइंट्स इस कंट्रोल पॉइंट के अंदर ही हैं। ऑल दी माइनर पॉइंट्स आर इन साइड ओनली अब ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज एक्यूमलेक्शन ऑफ द एरर विल बी अवॉइडेड जितना भी एरर आना था इन कंट्रोल पॉइंट को स्टैब्लिश करने में आ गया अब इसके बाद आपके एरर इंक्रीज नहीं होंगे एरर क्या होंगे कमी होते चले जाएंगे या उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी तो इससे एरर एक्यूमुलेट नहीं होता पर अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स को पहले ही स्टैब्लिश कर लेता और बाहर वाले पॉइंट बाद में स्टैब्लिश करता तो मेरे एरर एकट होते चले जाते सो एरर आर पर अगर हम पास टू होल चलते एरर क्या कर जाते एरर एक्यूमलेट कर जाते कंट्रोल पॉइंट्स मिनिमम तीन होंगे कंट्रोल <laughs> पॉइंट्स मिनिमम तीन लेके चलते हैं सो एटलीस्ट थ्री कंट्रोल पॉइंट्स शुड बी देयर तो पहला प्रिंसिपल क्या है पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट दूसरा प्रिंसिपल क्या है दूसरा प्रिंसिपल यह है कि जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो उसकी मेजरमेंट कम से कम दो पॉइंटों से होनी चाहिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो उनकी लोकेशन या उनकी मेजरमेंट कम से कम दो पॉइंट से Northwest होनी चाहिए जो पहले ही आपको नोन हो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करोगे उसकी मेजरमेंट कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट से होनी चाहिए जो पहले से ही फिक्स्ड है अब इस बात को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है इसको देखते हैं चेक करो देखो मेरे को पॉइंट सी स्टेब्लिश करना है आई हैव टू स्टैब्लिश पॉइंट सी ए और बी पहले से ही अवेलेबल है मेरे पास अब आप पॉइंट सी को स्टैब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हो दो लाइनों की मदद ले सकते हो

आपने एक लीनियर मेजरमेंट करी और एक एंगल की मेजरमेंट करी सर जी क्लास कम से कम डेढ़ घंटे चलनी चाहिए प्लीज हर रोज टैग गुरु जी एक बहुत बढ़िया कहावत है देर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट कोई बताएगा क्या है वो पॉपुलर सोइंग पता है आप लोगों को भी हाँ बताना जरा एनिमी आ, हाँ ये बताया शुभम ने बताया मैंने नहीं बताया देखो शुभम ने बताया शुभम इधर यूट्यूब पे भी कमेंट कर देना एक बार बाकी लोग भी कमेंट कर देना तो पहला तरीका क्या है कि आप पॉइंट सी को स्टैब्लिश करो विद द हेल्प ऑफ टू लीनियर मेजरमेंट दूसरा तरीका पॉइंट सी को स्टैब्लिश करो एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट ये देखो सैंडी ने बता दिया ये देखो सेंडी ने बता दिया बिल्कुल सही बात है तीसरा तरीका थर्ड ऑफ द मेथड इज ट्राइंगुलेशन आपने पॉइंट सी को स्टैब्लिश किया किसकी मदद से दो एंगुलर मेजरमेंट की मदद से तो दो लीनियर मेजरमेंट एक लीनियर एक एंगुलर मेजरमेंट दो एंगुलर मेजरमेंट इसको मैं क्या बोल दूंगा दिस विल बी ट्राइंगली टर्म डेस वॉट ट्राइंग आपने पॉइंट सी को मेजर किया एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट दिस विल बी टेक्निकली टर्म डेस वॉट ट्राइवरसिंग इसको टेक्निकली हम ट्राइवरसिंग बोलते हैं तो कहने का मतलब है खूब सारे तरीके हैं देर आर सेवरल मेथड अवेलेबल बाई विच यू कैन स्टैब्लिश अ थर्ड पॉइंट विद दी हेल्प ऑफ सेकेंड पॉइंट दो पॉइंट पहले से नोन होने चाहिए हमारे पास टू पॉइंट शुड बी नोन टू अस हा ट्राइवर सिंह बता दी ना क्या बोल रहे हैं ये कंपास भी कह सकते हैं थर्ड को कंपास भी कह सकते हैं थर्ड को थर्ड पॉइंट को कंपास बोलोगे हाउ थर्ड पॉइंट मैं पॉइंट स्टैब्लिश कर रहा हूं थर्ड पॉइंट उसको कंपास कैसे बोलोगे हाउ थर्ड पॉइंट विल बी टर्म डेस्ट कंपास कंपास मेथड कंपास मेथड थोड़ी बेटा कंपास यूज नहीं करते यहां पे वी डोंट यूज दी कंपास दंपास चलो कंपास सर्वेंग है वो सर्वेइंग तो so, जिसमें आपने एक लिनियर मेजरमेंट करी और एक एंगल मेजर किया उसको आप कंपास सर्वेइंग बोल सकते हो कंपास मेथड नहीं ठीक है यू कैन से कंपास सर्वेइंग चलो ठीक है तो सफिशियंट है आज के लिए अच्छा इसके बाद एक और सेशन है आपका देर इज वन मोर सेशन आफ्टर दिस क्लास जो लोग भी ई का मेन्स एग्जाम देने वाले हैं फॉर देम वन मोर सेशन इज बिंग क्रिएटेड तो ये क्लास को मैं खत्म करता हूँ अब वो वाली क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आई स्टार्ट दैट क्लास नो